हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन स्वीडिश इंडियन। आज का दिन बहुत ख़ास होने वाला है, बहुत ही अच्छा वेदर है आज। आज मैं, लियो और पूरी फैमिली जो है, एक यहाँ से शहर है, दूसरा उसका नाम उपसाला है, यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग आज गाड़ी से वहाँ जाएंगे और एज ए पिकनिक पूरे दिन वहाँ रहेंगे और स्ट्रॉबेरी अपने हाथों से तोड़ के और वहाँ से लेके आएंगे। ये एक जगह है जहाँ वो स्ट्रॉबेरी उगाते हैं और दूसरे भी जो बेरी होती हैं, हालोन बेरी है या बियर बेरी है, दूसरी जो बेरीज होती हैं वो आप अपने हाथ से तोड़ सकते हैं और उससे फिर वो लोग वजन करते हैं। जितनी बेरी आपने तोड़ी है उतना आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये अक्सर हम लोग हर साल एक दो बार गर्मियों में जाते हैं। अब सीज़न करीब करीब ख़त्म होने लगा है, आजकल में अच्छा मौसम है और उसके बाद में यहाँ बारिश और सर्दी चालू होने वाली है। तो हमने देखा कि अभी इस मौसम का फ़ायदा उठाया जाए। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज सीन यहाँ के, गांव की तरह से यहाँ कैसे खेती होती है या स्ट्रॉबेरी कैसे उगाते हैं और उसे कैसे लोग अपने हाथों से तोड़ते हैं। हमें ये नहीं पता है कि आज खेतों में स्ट्रॉबेरी है या उनकी जो टनल ऐसी इंडोर बनी हुई होती है उसके अंदर आज उन्होंने ओपन किया है, क्योंकि कई बार जब कम हो जाती है स्ट्रॉबेरी तो वो इंडोर में भी खोलते हैं। तो देखते हैं आज वहाँ का क्या सीन है। तो चलिए चलते हैं। ये आ गए हैं स्ट्रॉबेरी, जहाँ पे खुली है आज लाइन वहाँ पे आ चुके हैं हम। तो अभी दिखाते हैं कहाँ से स्ट्रॉबेरी तोड़ी जाती है। ज़्यादा लोग नहीं है आज, क्योंकि सीज़न ऑफ हो चुका है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, गर्मी सीज़न का एंड आने वाला है। ये स्ट्रॉबेरी आज की, यहाँ आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ये स्ट्रॉबेरी ये लगी हुई है, ये स्ट्रॉबेरी चारों तरफ लगी हुई है, आप देख सकते हैं सारे पेड़ लदगद लदगद हो रहे हैं। यहाँ से हमने सारी तोड़ ली है वैसे, लेकिन आप देख सकते हैं ये जो कच्ची हैं ये अब पकेंगी। और यहाँ पे वैसे स्ट्रॉबेरी तोड़ते वक्त आप चख भी सकते हैं, थोड़ी बहुत खा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल पेट भर के खाना मना है। और यहाँ आप देख सकते हैं आज की फसल स्ट्रॉबेरी की, यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी जो ये डब्बे तोड़ के तैयार किए हैं, सारे डब्बे पूरा देंगे फारा लियो को अमित दिब्रा दुखो मेरे को आंदा सीधा लियो। लियो ने स्ट्रॉबेरी खा ली बेटा, लियो ने स्ट्रॉबेरी खाई, अच्छे से खाई, पेट भर गया। ओ मैथ, ओ मजा आ रहा है लियो को, आप देख सकते हैं बहुत ही, ये एक एक्सपीरियंस है ये भी कि एक तरह से स्ट्रॉबेरी कैसे तोड़ी जाती है, कैसे फसल होती है। और ये केवल एक सैंपल है, ये तो छोटा सा लोगों ने यहाँ आसपास रहने वालों के लिए बना रखा है, वरना स्वीडन में गर्मियों में स्ट्रॉबेरी हर जगह होती है। जितना साउथ स्वीडन में जाते हैं उतनी स्ट्रॉबेरी ज़्यादा होती है। तो इसमें एक रूल ये भी है कि जैसे जहाँ तक जिस रो में आप स्ट्रॉबेरी ले रहे हैं
उस रो में आपको फिर ये ऐसा निशान छोड़ना पड़ता है ताकि वहाँ तक पता रहे कि यहाँ तक स्ट्रॉबेरी आपने ले ली, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का ये है कि ये अक्सर नीचे लगी होती है, जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये नीचे अंदर पेड़ों के पत्तों में छुपी होती है, तो हर पेड़ को ऊंचा करके देखना पड़ता है। जो स्ट्रॉबेरी छूट जाती है और वो नीचे रहती है तो वो क्या फिर सड़ने लगती है, पानी और गर्मी की वजह से जो है उसमें सड़न पैदा होती है। तो इसलिए चाहते हैं कि एक सिस्टम से स्ट्रॉबेरी तोड़ें हर लाइन में, और उस स्ट्रॉबेरी को जो है कोई भी पकी हुई स्ट्रॉबेरी छोड़े नहीं, ये यहाँ का रूल होता है। तो दोस्तों स्ट्रॉबेरी तोड़ ली है, ये देखिए, और इतना मज़ा आया है फ्रेश स्ट्रॉबेरी खाने का, मज़ा ही कुछ और है। अब वापस गाड़ी की तरफ जाएंगे, उससे पहले यहाँ पे अंदर आने से पहले ये लोग 100 क्राउन पर पर्सन लेते हैं, और बच्चों का 3 साल से ऊपर के बच्चों का ये लोग 25 क्राउन लेते हैं। लेकिन वो पैसा वापिस जब ये स्ट्रॉबेरी लेके वहाँ जाते हैं तो वो पैसा माइनस कर देते हैं। जब आप वजन कराते हैं तो स्ट्रॉबेरी की 115 क्राउन किलो इसकी रेट है, तो वो पैसा जैसे 3 किलो ली तो उसको ये लोग माइनस कर देते हैं। तो होप कि हमने भी ये 3-4 किलो स्ट्रॉबेरी ली होगी, होप कि उसमें ये बराबर वेट करीब करीब आए। चलिए देखते हैं कहाँ पे ये पेमेंट करते हैं। यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं कि ये जो ये एक चिड़ियानुमा पतंगनुमा जो उड़ रही है यहाँ हर जगह बनी हुई है, ये भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ये दूसरी बड़ी बर्ड्स को डराने के लिए लगाते हैं ताकि वो बर्ड्स नहीं आए और यहाँ इनकी जो बेरीज हैं वो नहीं खाएं। वहाँ दूर उस टेंट के अंदर वहाँ पे ये पेमेंट होता है। तो ये बड़े लंबे चौड़े हैं, हर जगह जो है बहुत खेती होती है, हर तरह की सीज़न के हिसाब से ये स्ट्रॉबेरी लगाते हैं ताकि ये लंबे सीजन तक इन्हें स्ट्रॉबेरी अवेलेबल होती रहे। जून से स्टार्ट होके करीब सेप्टेम्बर तक यहाँ साइड में रिवर के टनल हैं वो पूरी पैक टनल होती है, उसमें ये सितंबर अक्टूबर तक जो है इनकी सारी स्ट्रॉबेरी रहती हैं, जो कि और ये अलग अलग किस्म की होती हैं जिन लोगों को पता है, कम से कम 8 किस्म की ये अलग अलग लगाते हैं। हर स्ट्रॉबेरी में अलग अलग स्वाद होता है, बहुत फेमस है। अक्सर लोग जो पढ़ाई के लिए आते हैं वो उपसाला शहर में आते हैं। यहाँ पे फ्लैट एरिया है ये करीब करीब, बहुत दूर दूर तक यहाँ पे पहाड़ी एरिया कम है, और ये स्टडी का हब है। यहाँ आप शहर में जाएं तो आपको हर जगह केवल स्टूडेंट ही नज़र आएंगे, साइकिलें बहुत ज़्यादा चलती हैं, और बहुत ही खूबसूरत छोटी सी जगह है जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, और स्टॉकहोम से बहुत पास में है। यहाँ पे ट्रेन से भी आ सकते हैं, करीब 45 मिनट्स लगते हैं, पैदल तो भी चलती है आजकल यहाँ, जो मतलब असली बड़ी रेल नहीं होके और ये जो छोटी जो ट्रेन होती है वो भी चलती है यहाँ तक, लेकिन मेट्रो नहीं आती है, यहाँ पे बस और ट्रेन से आ सकते हैं। फिर जब स्ट्रॉबेरी ले आते हैं तोड़ के तो फिर यहाँ पे उसको वजन करके और उसका पेमेंट करना पड़ता है, तो उससे यहाँ पे जो बीच का जो डिफरेंस आता है, जो पहले पेमेंट किया और टोटल वज़न का, वो आपको पे करना होता है।